जब तो सूक्ष्म दृष्टि पे देखा तो अणु और परमाणु सिर्फ कंपन है, ये तो आपको विपश्यना में महसूस होता है ना। शरीर तो सिर्फ कंपन है, वो कंपन कहाँ रहता है? कंपन तो आकाश तत्व में आता है, होता है, जैसा समुद्र में लहरें आते हैं होते हैं। है क्या है वहाँ पे? आकाश तत्व है। क्यों है वो? शून्य है। सो आपका मन, जब जब मन कहाँ जाता है, मन वही आकार लेता है। जब शून्य पे मन जाता है तो मन कोई आकार नहीं लेता है, तो क्या होता है? शांति रहती है। मन 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 तटस्थ होता है। जब मन तटस्थ होता है वहाँ क्या है? आत्मा ही है। समझ गए? आप विपश्यना में क्या करते हैं? शरीर को देखते हैं सूक्ष्म तरह से। जब देखते 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 वो क्या है? शरीर होता है कंपन। शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, वहां तो सूक्ष्म कंपन है। तो सूक्ष्म कंपन कहाँ है? वो आकाश तत्व से उदय होता है, आकाश तत्व में उत्पत्ति होता है, लीन होता है, आता है जाता है, आता है जाता है, जैसे लहरें आते हैं जाते हैं। लेकिन क्या रहता है वो? आकाश तत्व रहता है। आकाश का एक शून्य है, और शून्य के जाने वाला मैं आत्मा हूँ। जो शून्य है उसको पता है वो मैं आत्मा हूँ। जब आपका मन मन का गमन वो आकाश तत्व पे जाता है तो मन शांत होता है, क्योंकि मन को चिंता करने का शक्ति शक्ति नहीं है। मन एक वस्तु को देखने से वस्तु का रूप धारण करता है और बोलता है ये मोबाइल है, ये कुर्सी है। जब वस्तु नहीं है वो मोबाइल, मन का काम बंद होता है, मन स्टॉप होता है। जब मन स्टॉप होता है क्या है वहाँ पे? आत्मा ही है। उसी को विपश्यना में क्या बोलते हैं? आप जो आपको जब विपश्यना करने के बाद चार दिन पाँच दिन के बाद शरीर बंद करो, शरीर बंद करने से क्या रहता है पापा? वहाँ पे आकाश तत्व रहता है। सो आपका मन तटस्थ होता है। जब मन तटस्थ होता है क्या कौन रहता है? मैं हूँ, रहता हूँ आत्मा, है ना।